क्या पश्चिम बंगाल में हिंसा की सियासत पर विराम नहीं लगेगा? आज ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया, इसलिए सवाल उठ रहा है। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई। शुभेंदु अधिकारी पिछले दिनों ही टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। कल ही उत्तर 24 परगना में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिससे तनाव और बढ़ गया। कल दोपहर उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजरहाट के नारायणपुर थाने पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक जत्थे ने मध्यग्राम में भी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के सीनियर नेता स्वप्नदास गुप्ता भी शामिल हुए। आपने देखा अमित शाह का रण। आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं। आपने हुंकार देखी, प्रहार देखा। बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने बीजेपी का वार देखा तो टीएमसी का जवाब भी देखा। बीजेपी इज अ चीटिंग बाज पार्टी, बंगाली टू विल से चीटिंग बाज, बट सॉरी इंग्लिश इट मे बी चीटर। द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी लीडर्स इज फॉर पॉलिटिक्स, दे कैन डू एनीथिंग। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। बंगाल के राजनीतिक रक्त चरित्र में हिंसा के नए अध्याय लगातार लिखे जा रहे हैं। ये ताजी तस्वीर बंगाल युद्ध में बढ़ती तनातनी के नए सबूत है। 24 उत्तरी परगना के मध्यग्राम में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला, जिसके बाद पहले से जारी सियासी रंजिश और बढ़ गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया, पुलिस की घेराबंदी की, बंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। अशोक सरदार नाम के जिस शख्स का शव मिला वो कारोबारी था, बीजेपी का कैडर वर्कर भी था। बीजेपी का आक्रोश इस घटनाक्रम से फूट रहा है। विरोध प्रदर्शन में स्वप्नदास गुप्ता जैसे बड़े नेता का शामिल होना सबूत है कि बीजेपी भूलने नहीं जा रही। এই অঞ্চলে প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ জানেন, যারা রাজনৈতিক দল করেন, যে কোনো দল, তারা জানেন, যারা কোনো রাজনীতির মধ্যে নেই তারাও জানেন কে বা কারা খুন করেছে আর কে এইখানে বিজেপি করার অপরাধে এই খুনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কার অঙ্গুলি হেলনে হয়েছে, কার নির্দেশে খুন হয়েছে। মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দাও, দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের উপরে আক্রমণ করো, সাধারণ মানুষ যাতে আতঙ্কিত হয়ে সরে যায়, তারা যেন প্রতিবাদ না করতে পারে। আর যথেচ্ছচার ভাবে এইভাবে তোলাবাজি চলেছে। बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग के ताजा मोर्चे खुलते जा रहे हैं। इस दायरे में महापुरुष भी हैं। अमित शाह पिछले दौरे में स्वामी विवेकानंद के दर तक पहुंचे, तो टीएमसी ने भी बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। टीएमसी 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाएगी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शती मनाई जाएगी। आगामी 12 जनवरी मंगलवार আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, ব্লকে ব্লকে, জেলায় জেলায়, অঞ্চলে অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালন করবার কর্মসূচি নিয়েছি। যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে স্বামীজি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালন করবার। यानी बीजेपी और टीएमसी की इस जंग में अभी कई और नए मोर्चे खुलते ही रहेंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।